वेलकम टू माई चैनल द कुकिंग क्रश एंड ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग लेके आई हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल द कुकिंग क्रश एंड ब्लॉग्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ और ब्लॉग्स आपको मिल सके। सबसे पहले तो पास ही बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं रेसिपी। तो रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है मसालेदार चटपटी सी सोया चंक और पापड़ की रेसिपी। उसके लिए यहाँ मैंने ले लिया 5 कैशो, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने पीनट लिए हैं, धनिया लिया है खड़ा, जीरा लिया है, बड़ी इलायची, 2 लौंग, काली मिर्च 5 से 6 और 2 लाल मिर्च और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। तो ये सबको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ड्राई मसाला, खड़ा मसाला बोल सकते हैं इसको, तैयार हो गया ये। तो ये हो गया हमारी एक प्रोसेस मैंने पहले ही कर ली है पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो हमने क्या करा है सोया चंक को, तो वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी ड्राई मसाला तो हमारा तैयार हो गया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और साइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको कब डालेंगे ये आप आगे वीडियो में देखेंगे ही सही। तो यहाँ पे हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया और आपने देखा होगा इसको फाइनली हमने चॉप करा है, काफ़ी अच्छा और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें। अब सेम मैंने मिक्सी जार ले लिया, इसमें मैं लूँगी यहाँ पे प्याज मैंने यहाँ पे रफली चॉप कर ली है, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, और टमाटर लिया है वो भी मैंने यहाँ कट करके ले लिया। टमाटर जो है अगर बड़ा टमाटर है तो आप हाफ़ लीजिए और छोटा टमाटर है तो पूरा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टमाटर लिया है, उसको कट कर लिया है। यहाँ पे उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने ब्लेंड बना लिया, पेस्ट बना लिया। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे बटर यूज़ करा है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे बटर डाल दिया। अब थोड़े से मैंने खड़े मसाले डाले जैसे कि तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची और यहाँ पर 2 लौंग और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है, स्टार एनिस ले लिया है एक। ये सब चीज़ों को हल्का सा हम फ्राई होने देंगे और फ्लेम हमारी बिल्कुल लो फ्लेम पर है। ये देखिए ज़ीरा भी हमने ऐड कर दिया, लो फ्लेम है बिल्कुल ही। तो ऐसी रेसिपीज़ बनाए ना तो आप तेल और बटर मिक्स करें, तो तेल डालने के बाद ही बटर को ऐड करें ताकि आपका बटर जले ना। तो यहाँ पे जो हमने पेस्ट प्याज टमाटर का बनाया वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको अब हमें भुनाई करना है इस मसाले की अच्छे से, कि काफ़ी अच्छे से ये कुक हो जाए और जितना अच्छा मसाला बुनेगा उतनी अच्छी ये डिश बनेगी। तो मसाले की भुनाई हमें बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पे हम मसाला को भुनने लेंगे, फ्लेम हमारी अब लो है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको मसाले को कुक करेंगे। अब यहाँ पे साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, ये फ्रेश पिसा हुआ घर का ही जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो फ्रेश ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, चॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश पिसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया है, 8 से 10 मिनट में ये कुक हो जाए। तो ये रहा हमारा सोया चंक, ये मैंने इसको पहले रिकॉर्ड करा पर ये मिस हो गया। तो इसमें हमने डाल दिया है हल्दी, नमक, मिर्ची और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ये सब डाल के मैंने इसको, जब इसको बॉईल करने के बाद ये सारे मसाले डाल दिए थे और इसको साइड करके रख दिया है हाफ एन आवर के लिए, तो ताकि मसाले काफ़ी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी ग्रेवी कुक हो रही है, बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहना है और यहाँ ग्रेवी हमारी मतलब 70% कुक हो गई, तब मैं यहाँ पे इसमें ये सोया चंक ऐड कर रही हूँ। सोया चंक को बॉईल करने से ये काफ़ी कुक हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुक होने में। तो यहाँ पे मैंने सोया चंक ऐड कर दिया और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही ना, आप जब मसाले सोया चंक में डालेंगे तो जो एक फ्लेवर निकल के आएगा, एक खुशबू निकल के आएगी, बहुत मज़ेदार सी होती है।
तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा, रेसिपी आप लोगों को, आपकी फैमिलीज को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसी डिश में वो वाटर ऐड कर दिया है इसमें। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा इसको अभी कुक करना है, थोड़ा सा और 10 मिनट्स तक हमें इसको कुक करना है, उसके बाद हम इसमें मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट्स हो गए थे, इसको लो फ्लेम पे मैंने खुले में ही कुक होने दिया। उसके बाद जो हमने मसाला पीसा था पीनट काजू और खड़े मसाले वाला, वो हम ऐड कर देंगे। और इस मसाले को ऐड करने के बाद आपको ध्यान रखना है, हिलाते रहना अगर आप इसको कुक कर रहे हैं तो कवर करके भी रखें तो आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि ये मसाला तले में ना लग सके। तो यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे और ये मसाला डाल के, और इसकी जो खुशबू है ना बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे हमारा लगभग पूरा मसाला और ये सब कुक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पापड़। तो मैंने यहाँ पे लिए लिज्जत का मसाला पापड़, आप चाहें तो मूंग का प्लेन पापड़ भी ले सकते हैं, पर ये पापड़ से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। ऑप्शनल है, आप जो चाहें ले सकते हैं, वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो हमारे पास यही अवेलेबल भी था और इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आएगा। ये काली मिर्च वाला पापड़ रहता है मसाला वाला, तो ये तो यहाँ मैंने 3 पापड़ लिए, छोटे वाले पापड़ थे। अगर आप बड़ा पापड़ ले रहे हैं तो 2 में ही आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से रफली उसको तोड़ा है, ऐसा कोई ऐसा नहीं कि आपको छोटे छोटे चंक पीस में ही तोड़ना है। यहाँ पे कि थोड़े नज़र आए दिखे वो, तो उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके यहाँ पे हम इसको 7 से 8 मिनट तक कवर करके कुक कर लेंगे। तो 7 से 8 मिनट में ये कुक हो जाएगा, क्योंकि मसाला ऑलरेडी हमारा गर्म है और पापड़ ऑलरेडी जल्दी ही हमारा ये गर्म। अब यहाँ पे ये मैंने ड्राई मिंट ले लिया है, इसको क्रश करके ऐड कर दिया, इससे भी काफ़ी फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा इसका, तो ये भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और ये हमारा सब्ज़ी यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम, तो ये भी ये मैंडेटरी है, क्रीम आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टीस्पून यहाँ पे क्रीम ऐड करा है इसमें। आपके पास ये वाला क्रीम नहीं है तो आप घर की फ्रेश दूध की मलाई वो ऐड कर सकते हैं, तो वो यूज़ कर लीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश बन के तैयार होएगी, चटपटी सी। इसमें ज़्यादा मतलब जो फ्लेवर है वो मसालों का फ्लेवर है, जो हमने फर्स्टली ड्राई रोस्ट करके मसाला डाला उससे काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर इन्हेंस हुआ है। तो ये देखिए झटपट से हमारी डिश तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे इसको, और ऊपर से हम इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे फ्रेश कोरिएंडर से। तो सर्व करना भी बहुत सिंपल है, वो तो हम सभी को आता है तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें यहाँ सर्व करेंगे। और इसका कलर भी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, लुक वाइज भी बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पे जो लोग सोया चंक नहीं खाते हैं वो भी खाना खा लेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दी, मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा सोया चंक पसंद नहीं है, वो एक क्योंकि ऑब्वियसली फ्लेवर में उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो हम पुलाव बनाते ही बनाते उसमें ठीक है, बट ये ऐसे सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो उसमें इतना मज़े के नहीं। तो मैंने इस तरह से बनाया तो उन्होंने भी बड़े मज़े से खाया। तो आप लोगों के यहाँ भी डेफिनेटली सबको ये पसंद आएगा, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और क्रीम से यहाँ मैंने गार्निश कर दिया है, और क्रीम इसमें आप ऐड कर सकते हैं आराम से 2-3 स्पून तक। तो यहाँ पे हमने क्रीम को इस तरह से स्प्रेड कर दिया और यहाँ पे हमारी डिश तैयार हो गई होगी। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपके फ्रेंड्स फैमिली को। तो ये तो हमारी हो गई है इस व्लॉग की रेसिपी। तो ये जो मैंने कल ही बनाई थी तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है मॉल की वीडियो। वो हम लोग चले गए थे, ये वीकेंड का शूट किया हुआ है, मैं व्लॉग अभी डालने में काफ़ी, क्योंकि अभी बिजी चल रही तो इस वजह से शेयर नहीं कर पाई। तो ये वीकेंड का व्लॉग है। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे लुलू मॉल, यहाँ पे नया खुला है, आई थिंक इसको ओपन हुए भी अभी 1 से 2 मंथ्स हुए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मुझे इतना आइडिया नहीं। मैंने तो नॉर्मली इसको रेडियो पे सुना था कि लुलू मॉल ओपन हुआ, और लुलू मॉल दुबई बेस्ड मॉल है। तो मुझे था कि यहाँ विज़िट करें, क्योंकि मुझे अबायाज और ये देखते थे हम व्लॉग्स में जो दुबई से व्लॉग बनाते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो हम लोग सोचा चलें विज़िट करके आते हैं। तो ये लास्ट टू लास्ट सैटरडे का व्लॉग में हमने गए थे, तब हमने शूट किया था। तो लुलू मॉल देखिए आप, इतना रश हो रहा था काफ़ी, हमें तो ये तो रास्ते पर इन्होंने यही कहा कि अपनों को तो मिलने नहीं वाला है, वहाँ पे स्पेस नहीं मिलने वाली पार्किंग की, ये वो। बट मतलब आप चलो तो सही, अगर होगा तो अपन ऐसे ही घूम के आ जाएंगे, रोड ट्रिप मार लेंगे। पर फाइनली हम लोग गए और ये देखिए ये आ गया है लुलू मॉल।
और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था, बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये हाईलाइट हो रहा था। ये है कोकापेट में, तो ये देखिए लुलू मॉल। यहाँ पे मोस्टली जो भी है सामान है लुलू फैशन, लुलू क्या बोलेंगे गैजेट्स, लुलू स्टोर, लुलू हाइपर मार्केट नाम से। इसका अंदर 3 से 4 फ्लोर में पूरा लुलू का ही सारी चीज़ें हैं, लुलू आइटम्स, लुलू स्टोर, लुलू फैशन, लुलू सुपरमार्केट, सब लुलू के नाम से ही है। और उसके अलावा और दूसरी शॉप्स भी हैं, बट अभी इतनी ज़्यादा ओपन नहीं हुई, जो ओपन हुई बहुत कुछ ओपन हो गया है यहाँ पे कम्प्लीटली, कुछ कुछ स्पेस है जो एम्प्टी है। तो यहाँ देखिए आप कितना ट्रैफिक था, और यहाँ पे पार्किंग देखिए, बाहर भी ये पूरी पार्किंग है, पर फिर भी हम लोग यहाँ गए थे जब टाइम हो रहा था, आई थिंक 7 o'clock का टाइम था, हम लोग जब घर से निकले थे। यहाँ आते आते हमें 1.5 hours लग गया हमें यहाँ तक अंदर तक आने में। तो फाइनली पार्किंग हो गई, पार्किंग के बाद 2 से 3 फ्लोर सबसे लास्ट फ्लोर में पार्किंग हुई थी हमारी। फिर अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, अब देखते हैं कैसा है। तो आप लोग भी हमारे साथ देखिए, इन्जॉय करिए। लाइबा ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, उसको भी काफ़ी मज़ा आया, और रश तो काफ़ी था। और अब यहाँ पे मैं अगर बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग को ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाना है तो आप ज़रूर से जाएँ, बहुत अच्छे ऑफर्स हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम्स में, मतलब जो हमें होम नेसेसरी नीड्स होती हैं उन सब में बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हाइपर मार्केट एंट्रेंस है, यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें थी। सेकंड पे यहाँ पे हाइपर मार्केट है, सुपर मार्केट है, जहाँ पे सिर्फ ग्रॉसरीज का आइटम है, ग्रॉसरीज है, किचन आइटम, किचन के रिलेटेड सारे आइटम है, कुकिंग के हैं, परफ्यूम्स हैं और लूज आइटम से दाल और ये सब चीज़ें, और सारे बर्तन हैं, ये सब चीज़ें ये आपको एक फ्लोर पे मिलेंगे। तो ये हम लोग गए थे, यहाँ पे हमने विज़िट करा था, और यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन आवर हो गया था हमने जो सब सामान लिया। उसके ऊपर फैशन का स्टोर है, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे फ्रिज, टीवी, ये वाला एक सेक्शन है, और सबसे लास्ट वाले फ्लोर पर यहाँ पर फूड है। तो वहाँ पे हम लोगों ने सब शॉपिंग करी, पहले लुलू कनेक्ट करके नाम दिया इन्होंने, जहाँ पे सारे गैजेट्स हैं, सारे होम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनका लुलू कनेक्ट। और अब हम लोग जा रहे हैं फैशन, हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई, ये आ गया है लुलू फैशन स्टोर की प्लेस। तो यहाँ पे भी हमने सब चीज़ें देखी, यहाँ पे पहले हमने सब देखा, उसके बाद हम फाइनली लुलू सुपरमार्केट में एंटर हुए, वहाँ से हमने सारा सामान लिया। तो ये रहा लुलू सुपरमार्केट, और ये देख रहे हैं आप रश कितना ज़्यादा है, ऊपर नीचे पूरी तरह से फुल था यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे है लुलू फैशन स्टोर। तो आप लोग अब इन्जॉय करिए, और इसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग करने के बाद फूड कोर्ट में गए, फूड कोर्ट में जाके हमने पिज़्ज़ा लिया, मोमो और छोले भटूरे खाए, और कुलचा खाया, पनीर कुलचा, ये सब चीज़ें, ये भी काफ़ी मज़ा हुआ, खूब अच्छा सा हमने इन्जॉय करा, और मुझे तो अच्छा लगा, डिसेंट मॉल है, ग्रॉसरी के लिए बेस्ट लगा मुझे। तो यहाँ पर आप लोग पूरा इन्जॉय करिए वैसे ज़्यादा कुछ, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे तो डिटेल में वहाँ के व्लॉग्स और बनाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और व्लॉग्स के साथ। अगर आपको मेरा ये छोटा सा क्यूट सा व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं ऐसे ही नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।